एलोवेरा का फूल छोड़ना मत, सोने चांदी से भी होता है कीमती, जहां मिले तुरंत तोड़ लेना। दोस्तों, एलोवेरा के बारे में कौन नहीं जानता। जब आप टीवी खोलते हैं तो हर दूसरे प्रोडक्ट में, हर दूसरे इश्तेहार में आप एलोवेरा को किसी ना किसी फॉर्म में देख सकते हैं। तो आखिर क्या ऐसी प्रॉपर्टीज है या खासियत है इस प्लांट के अंदर जो इसको इतना ज्यादा पॉपुलर बनाती है कि एक पूरी इंडस्ट्री इस प्लांट के इर्द गिर्द बन चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि एलोवेरा से होने वाले 5 जबरदस्त फायदे क्या हैं, और साथ ही ये भी बताएंगे कि आपको इसके साथ क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और इसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स लेने के लिए आपको किस तरह से इसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो सबसे पहला फायदा जो आपको एलोवेरा को यूज करने से मिलता है वो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, यानी कि पेट के लिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो एलोवेरा बहुत ही जबरदस्त चीज है। रेगुलर इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका पुराने से पुराना कब्ज ठीक हो जाएगा और आपका पेट आपको काफी हल्का महसूस होगा। और जिनको हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन, गैस, एसिडिटी की शिकायत रहती है या गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, उनके लिए भी एलोवेरा का जेल बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने के साथ साथ आपकी स्किन को भी बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता है। आई एम श्योर आपने जितने भी एड्स आजकल टीवी पर देखे होंगे, हर एक प्रोडक्ट में जो भी स्किन से रिलेटेड होता है उसमें एलोवेरा किसी न किसी फॉर्म में जरूर शामिल होता है। अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, स्किन इन्फ्लेमेशन या फिर सनबर्न की प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके साथ ही अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है या फिर स्किन से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। अब आपको बताते हैं कि आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए आप अपने घर पर ही एलोवेरा का पौधा लगा सकते हैं और उसे डायरेक्टली स्किन पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि उसका छोटा सा पीस काटिए और उसके अंदर से जेल निकाल कर डायरेक्टली अपनी स्किन पर लगा लीजिए। तीसरा बेनिफिट जो आपको मिलता है एलोवेरा से वो है इसकी वॉन्ड हीलिंग प्रॉपर्टीज। एलोवेरा वॉन्ड यानी कि जख्मों को भरने में भी बहुत ही ज्यादा कारगर है। इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपकी बॉडी में कोई भी जख्म है या कोई चोट है या कोई घाव है तो आप उसके ऊपर एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट है और नेचुरल भी है। अगर आपकी बॉडी पर कहीं भी कोई जख्म हो गया है, कोई घाव लग गया है और घर पर कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम अवेलेबल नहीं है, बस तो आप एलोवेरा का प्लांट काटिए, उसका जेल निकालिए और उसे सीधा घाव के ऊपर लगा लीजिए। चौथा बेनिफिट जो आपको मिलता है एलोवेरा से वो है एलोवेरा के अंदर ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने की ताकत होती है। जिन लोगों को डायबिटीज है, अगर वो दिन में 2 बार 2 टेबलस्पून एलोवेरा का जूस इस्तेमाल करें तो उनका ब्लड शुगर कंट्रोल करने में ये काफी हेल्पफुल हो सकता है। एक रिसर्च से सामने आया है कि 2 टेबलस्पून एलोवेरा जूस रोजाना लेने से आपका ब्लड शुगर कम होता है, और जो लोग डायबिटिक होते हैं उनको कहीं ना कहीं कार्डियक प्रॉब्लम होने का खतरा भी रहता है। तो ये आपके शुगर कंट्रोल के साथ साथ आपकी इस प्रॉब्लम के लिए भी सोने पर सुहागा है। नंबर 5 पर हम आपको जो एलोवेरा के बेनिफिट्स बताने वाले हैं उसमें आपको 2 फायदे मिल सकते हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि एलोवेरा जो होता है ये आपके दांतों के अंदर प्लग बनने से रोकता है, यानी कि आपके दांतों को मजबूत बनाता है, उनकी सड़न को दूर करता है और जो गंदगी जम जाती है दांतों के अंदर उसको भी कहीं ना कहीं ये कम करता है। और इसके साथ ही जो आपको दूसरा बेनिफिट मिलता है वो ये है कि एलोवेरा के अंदर पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि ये दर्द निवारक का काम भी करता है। एलोवेरा के अंदर सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है, और ये जो सैलिसिलिक एसिड है ये एस्प्रिन के अंदर भी होता है,
और ये जो सैलिसिलिक एसिड होता है ये दर्द निवारक का काम करता है। तो अगर आप रोजाना एलोवेरा का जूस इस्तेमाल करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड की वजह से आपके जो जोड़ों के दर्द है, बॉडी का दर्द है, चाहे वो मस्कुलर पेन ही क्यों ना हो या फिर वो जॉइंट पेन हो, दोनों में आपको इससे फायदा मिलता है। अब आपको बताते हैं कि एलोवेरा को आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है जिससे आप इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट यानी कि फायदा ले सके। एक तो तरीका ये है कि आपके पास एक ऑप्शन है, ये आपको रेडीमेड मार्केट में बना हुआ मिल जाता है, चाहे वो जेल की फॉर्म में हो या फिर जूस की तरह भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने घर में खुद एलोवेरा का एक प्लांट लगा लें और फ्रेश उसका जो जेल है, उसका जो जूस है, उसे आप इस्तेमाल करें। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपको इसे इस्तेमाल करना हो इसके लीफ को थोड़ा सा तोड़िए, बीच में से काटिए, जेल निकालिए और फिर स्किन पर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं या फिर उसका जूस बनाकर भी पी सकते हैं। अगर आपको इसको ऑरली यूज करना है तो पानी में मिलाकर भी आप इसे पी सकते हैं। लेकिन जरा रुकिए, जहाँ किसी भी चीज के बहुत सारे फायदे होते हैं वहाँ कुछ नुकसान भी होते हैं, इसलिए इसे इस्तेमाल से पहले ये जान लीजिए कि इसके क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं। आपको एलोवेरा के 2 टेबलस्पून से ज्यादा जूस कभी भी नहीं पीना है। अगर आप इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके पेट में क्रम्प्स हो सकते हैं, दर्द हो सकता है, लूज मोशन भी लग सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको एक टिप और देना चाहते हैं कि अगर आप मार्केट से रेडीमेड एलोवेरा ले रहे हैं, अगर आप उसका जूस ले रहे हैं या जेल ले रहे हैं पीने के लिए, तो फिर आप उसे ध्यान से देख कर ले, क्योंकि एलोवेरा का जो जेल होता है ये काफी कड़वा होता है, इसका टेस्ट काफी कसैला होता है। तो अक्सर कंपनी क्या करती है कि इसके टेस्ट को स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें बहुत सारा शुगर या फिर फ्लेवर ऐड कर देती हैं। तो जब भी आप कोई एलोवेरा का जेल लेते हैं या जूस लेते हैं तो उसके लेबल पर एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि इसमें कहीं ज्यादा शुगर तो नहीं है। अब बात करते हैं उन लोगों कि जिन्हें एलोवेरा जेल या जूस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि इसके लेने के बहुत सारे फायदे हैं तो इसे लेने के काफी नुकसान भी आपको उठाने पड़ सकते हैं। देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप कतई भी एलोवेरा का जेल इस्तेमाल नहीं करेंगी। अगर आपको इंटरली यानी कि ओरली इसे लेना है या फिर इसे आप एक्सटर्नली भी इस्तेमाल करना चाहती हैं तो उससे पहले आपको अपने डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए, इसके बाद ही आप इसे यूज कर सकती हैं। इसके साथ ही अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं तो आपको एलोवेरा का जेल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी इसके अलावा सब लोग इसे ले सकते हैं क्योंकि इसका कोई पोटेंशियल साइड इफेक्ट नहीं होता है, सिवाय इसके कि अगर आप ज्यादा ले लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन। एलोवेरा का ज्यादा इस्तेमाल करने से या ज्यादा सेवन करने से शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बिगाड़ देता है जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। और लूज मोशन के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एलोवेरा का जूस सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पीने से सिर दर्द और थकान की समस्या हो सकती है। इतना ही नहीं, इससे मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा इससे आपको एलर्जी भी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर ये आपको सूट करता है तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही इसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये था आज का हमारा एलोवेरा के बारे में वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो से आपको काफी फायदा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप पे भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इससे फायदा हो सके। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।